तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार देखिए, ये वाली वीडियो होने वाली है कि किस तरह से बहुत सारे लोग 3, 4, 5, 6 फिंगर क्लॉ तक भी खेलने का ट्राई करते हैं, और जबकि मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम से खेलते आ रहे होते हैं पबजी, उस सबके बाद भी वो अपना जो लेआउट है वो स्विच करना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में जोनाथन मावी और अपने कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा और आपको ये समझाने का ट्राई करूंगा कि क्यों आपको लेआउट स्विच नहीं करना चाहिए। कंपेरेटिव अगर अच्छे से खेलना है तो आपके लिए 2 फिंगर्स भी काफ़ी हैं। ऑल दो मैं 4 फिंगर प्लेयर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये चीज़ ज़रूरी है। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, मन करे तो शेयर कर देना। आओ शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो मेरे ओपिनियन में जो सबसे बड़ा रीज़न होता है लोगों का 4, 5 फिंगर क्लॉ खेलने का, वो होता है मूवमेंट। और मेनली जो उसमें पीक होती है, पीक की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो कंपेटिटिव प्लेयर्स होते हैं वो पीक काफ़ी ज़्यादा कम करते हैं। और ऐसा क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब सोचिए कि अगर ये जो एग्जैक्ट पोजीशन है, यहाँ पर एनिमी हो और मैं उस पर शूट करना चाहूँ, तो अगर मैं पीक करता हूँ तो जो लेफ़्ट में एनिमी है उसको मेरा पूरा एंगल आता है, और अगर मैं बिना पीक करे मारूँगा तो देखिए उसको एंगल नहीं आएगा। अब देखिए जो राइट वाला एनिमी है उसको मैं बिना स्कोप इन करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए अब जैसे ही मैंने स्कोप करता हूँ तो लेफ्ट वाले एनिमी पर पूरा एंगल आता है, और मैं अगर ऐसे ही उस पर फायर लेने का ट्राई करता हूँ तो देखिए बहुत ही छोटा सा एंगल जाएगा उसके पास में। यहाँ पर देखिए अब ये जो एनिमी था ये लेफ्ट साइड में मूव करने लग गया, इस वजह से जब मैंने बिना पीक किए मारा तो देखो कितना छोटा सा एंगल जाएगा उसको। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देखिए, जो लेफ़्ट में पत्थर है उस पर एक एनिमी है, और मुझे जो राइट वाला एनिमी है उसको मारना है पत्थर वाले एनिमी को बिना एंगल दिए हुए। तो देखिए मैं मूव किया तो मेरे को शॉट्स पड़े, लेकिन अब देखना मैं बिना पिक करके उसको मारूंगा तो उस पर कितना छोटा सा एंगल जाएगा। अब देखिए एनिमी का पर्सपेक्टिव, अब हल्का सा भी लेफ्ट राइट मूव करते हो तो एनिमी को पूरा एंगल आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैं हल्का सा ज़्यादा भार आया तो देखो एकदम से मेरे को पूरा का पूरा डैमेज पड़ेगा। लेकिन इसके बाद में जब मैंने बिना पीक किए मारा तो केवल एनिमी को मेरा फ्लैश दिखा, उसके अलावा उसको एंगल नहीं आया ज़्यादा। अब इसका मेरे ओपिनियन में जोनाथन का सबसे बढ़िया एग्जांपल देखिए। देखिए इसी वजह से जोनाथन ने बिना पीक किए लेफ्ट साइड से हल्का सा कवर से बाहर आके मारने का ट्राई किया, जिससे अगर राइट साइड में बंदा हो तो उसको एंगल ना आए। और देखिए जहाँ पर जैसे ही बंदा पीक करने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी ओवर एक्सपोज होती है कुछ इस तरह से। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस पोजीशन में ऑलरेडी जोनाथन की बॉडी कवर से बाहर आ चुकी है, और यहाँ पर स्कोपिंग करके पीक भी कर लेने से जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, जिसको जोनाथन ने तुरंत रियलाइज़ किया और वो तुरंत कवर में आ गए मारते ही। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि क्यों आपको पीक कम करना चाहिए प्रेफर, क्योंकि पीक करने में यार बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होता है, और हल्की सी भी अगर आपकी बॉडी एक्सपोज होती है इस तरह से भी तो कंपेरेटिव में यार आप बहुत जल्दी मर सकते हो, क्योंकि उनको हल्की सी बॉडी दिखती है और वो वहीं पर शूट कर देते हैं और आपका हेड जो है मोस्टली हेडशॉट्स आपको लगते हैं और आप मर जाते हो। तो उसी सेम मैच में उन्होंने किस तरह से आगे वाले बंदे को फिनिश किया था देखिए। सिंपल सा तरीका है, आपको आइडिया भी नहीं लगता है कि कब आपकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही बाहर आ जाती है और उसके बाद से आप पीक भी कर लेते हो। मोस्टली हमें आदत होती है जैसे ही हमारी बॉडी कवर से बाहर निकलेगी वैसे ही हम स्कोप करेंगे, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में यार आपको पीक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली जब आप ऐसा भी हो जाता है कि जैसे ही अगर आप पीक करोगे तो जैसे ही आप अंदर जा रहे होगे पीक छोड़ के तो डीसिंक में भी आपको काफ़ी सारी बुलेट्स लग जाती हैं। तो जब आप पीक छोड़ के वापस आओगे उससे बेटर है कि आप मूव करके वापस आ जाओ कवर के अंदर, तो वो चीज़ आपके लिए बेटर साबित होती है। अगर आप बोलें कि पीक का यूज़ ही क्या है, तो मेनली जब लॉन्ग रेंज में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही होती है तो आप बहुत छोटी सी पीक करके अगर मारते हैं तो स्पॉट करना ज़्यादा मुश्किल होता है और आपकी बॉडी भी कम एक्सपोज होती है उस केस में, क्योंकि आपके पास में टाइम होता है। लॉन्ग रेंज में आपके पास टाइम होता है कि आप अपनी पीक को छोटा बना सकते हो, लेकिन क्लोज रेंज में अगर बहुत सारे बंदे आपके ऊपर चढ़ रहे हैं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज। अगर पर्टिकुलरली जोनाथन की बात करें तो उनकी इतनी बढ़िया ग्रिप है इस चीज़ के ऊपर कि जब वो कवर से निकल के बिना पीक किए मारते हैं तो सामने अगर 3-3 बंदे भी हों तो भी उनका स्प्रे इतना ज्यादा एक्यूरेट जाता है कि वो सबको गिरा देते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए ये वाली क्लिप।
पैदा होगा। जीक और जोनाथन एथलेटिकोसन कैसे जाना पड़ेगा, जोनाथन का स्प्रे देखते हुए मिला जीक और को नॉक हुआ उसके साथ साथ निकाला बैक टू बैक। मेन चीज जो दिखाने वाली थी कि यार वो T1 लॉबी में भी सामने से तीन बंदे पिक कर रहे थे, तब भी जो पहला बंदा उन्होंने इतने डिस्टेंस पे गिरा दिया वो 12 गोलियों में ही था, और अगला भी देखिए अगला भी उन्होंने 12 गोलियों में गिरा दिया टारगेट, और फिर देखिए कितने मतलब कितना फ्लॉलेस उनका स्प्रे गया कि 35 बुलेट्स के अंदर अंदर ही उन्होंने तीन टारगेट्स को नॉक कर दिया इतने डिस्टेंस पे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम स्प्रे तो मारते हैं लेकिन इतना अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता इतने डिस्टेंस पे, और बहुत सारा स्प्रे हमारा मिस हो जाता है। तो ये तो एक एग्जांपल था कि अगर आप पीक करने की वजह से आपने अपना जो क्लॉ है वो शिफ्ट किया जिससे आपकी पीक फास्ट हो जाए तो उसकी यार बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। अब इसके बाद अगर बात करें हम मावी की, तो यार देखिए मावी की क्लोज रेंज के बारे में सब लोग ही जानते हैं, लेकिन मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो यार उनका गेम सेंस। अब उनका IGL के बारे में भी सब लोग जानते हैं, लेकिन जो उनको मैन विद गोल्डन हैंड कहा जाता है वो इतनी बढ़िया बढ़िया सिचुएशन में भी नेड से नॉक्स निकाल देते हैं। जैसे सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखिए ये मतलब यार कोई जरूरत ही नहीं है आपको डैमेज दंदराव करने की, फ्लैंक करके आने की। मैं इस एग्जांपल में आपको यही चीज़ दिखाना चाह रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा यार कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका अगर गेम सेंस अच्छा है, आपका साउंड सेंस अच्छा है, तो आप एनिमी की लोकेशन प्रेडिक्ट करके नेट से ही डोमिनेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई मेरे जैसा प्लेयर होता तो यार वो रिज पे आराम से क्राउच करके बैठता और ट्राई करता कि एकदम से जैसे ही बंदा आएगा या एंगल लेने का ट्राई करता कि उसके आते ही एकदम से डैमेज दंदराव करके उसको मारने का ट्राई करूँगा। तो मोस्टली बंदा क्लॉपर इसलिए भी स्विच करता है जिससे वो जल्दी जल्दी क्राउच एंड क्राउच और पीक कर पाए, जल्दी जल्दी स्कोप इन करके मार के हट सके, और स्पेशली अगर क्लोज रेंज फाइट्स आए तो जल्दी से पीक करे मारे और आ जाए। लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ मावी का। अब यहाँ पर भी मैं आपको पहले तो थ्रोएबल्स का यूज दिखाना चाहता था कि फिर से देखिए कितना इजीली उन्होंने नॉक किया, दो में से एक बंदा तो ऐसे ही चला गया, और फिर से अगर क्लॉ प्लेयर होता तो यहाँ पर क्राउच फायर करता, ये करता वो करता, लेकिन सिंपल था यार सामने वाला बंदे की अगर आप मूवमेंट देखो तो वो भी आराम से बिना क्राउच भी किए कुछ भी किए एकदम से बस कवर की डायरेक्शन में जा रहा है। मोस्टली आपको यही करना होता है, एक डायरेक्शन में जा के मारना होता है, जिससे मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। तो इस वजह से भी यार अगर आप थंब प्लेयर हो तो ऑब्वियसली आपका जो हिप फायर होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपको एक ही चका से जो आपका थंब वाला बटन है केवल वहीं से आपको शूट भी करना है और कैमरा भी मूव करना है। जबकि जो क्लॉ प्लेयर्स होते हैं उनको एक जगह से शूट करना होता है और एक जगह से अपना मूव करना होता है कैमरा, तो वो कोऑर्डिनेशन बनाने में ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। तो मेरा कहने का मतलब केवल यही है कि अगर आप इन वजह से अपना जो लेआउट है उसको चेंज कर रहे हो, उसको क्लॉ पर लेके आ रहे हो, तो उससे बेटर है कि आपको जो पहले से कंट्रोल्स हैं, अगर आप टू फिंगर के ही प्लेयर हैं तो आप उसी पर पूरा ग्राइंड कीजिए, आप जायरोस्कोप पे अपनी पूरी मास्टरी करने का ट्राई कीजिए, और जो भी आपके बटन्स हैं उनको आसपास लेके आइए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जितना टाइम एनिमेशन होने में लगता है, मतलब कि अगर आप एक ही फिंगर से दो दो बटन दबा रहे हैं, जैसे आपने स्कोप किया तो स्कोप इन करने में भी जो टाइम होता है वो थोड़ा सा लगता है, और उतने टाइम में ही आप पीक कर सकते हैं या क्राउच कर सकते हैं अगर आपका एक ही बटन है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को मास्टर करने में बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और ग्राइंड करके अपना जो एम है एक्यूरेसी लाने पर ध्यान नहीं देते हैं तो वहाँ पे आप ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो सिंपली अगर आपको फैंसी मूव्स दिखाने हैं, बहुत ज़्यादा उस तरह की मोंटाजेस बनानी है, तो फिर तो आपको स्विच करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कंपेटिटिव में ग्राइंड करना है तो जो आपकी यार बेसिक ड्रिल्स हैं उनको फॉलो कीजिए, एक्यूरेसी लाने पर ट्राई कीजिए, और जो आपका मसल मेमोरी है आपके कंट्रोल्स पे मसल मेमोरी बनाने का ट्राई कीजिए रादर देन अपना क्लॉ पे स्विच करने का। और जो लोग बोलेंगे कि मैं कंपेटिटिव प्लेयर खुद तो हूँ नहीं तो फिर कैसे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, तो इस बारे में भी मैं आपको बहुत जल्दी कुछ रिवील करूँगा, बहुत बढ़िया सी चीज़। तो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।